हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं HFCL, तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी और बिड़ला केबल शेयर के ऊपर। इन चारों ही स्टॉक में आज एक शानदार तेजी देखने को मिला है, तो उसके ऊपर हम लोग डिटेल में न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, साथ ही साथ टेक्निकली लेवल्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक जरूर देखिएगा। HFCL के शेयर में अगर देखेंगे तो इंट्राडे में स्टॉक 12% के शानदार उछाल के साथ क्लोज हुआ है। 14.84 रुपीज के तेजी के साथ स्टॉक 138.49 रुपीज के लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे तो HFCL जो है अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। आखिर इतना बड़ा रैली इन सभी स्टॉक्स में क्यों देखने को मिला? तो आज ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जुड़े जितने भी कंपनीज हैं या फिर इस टाइप के टेंडर में जितने भी कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, उन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा रैली देखने को मिला। तो चलिए उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे सभी इम्पोर्टेंट चार्ट्स को पोस्ट करते रहते हैं, सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करते रहते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल सके, जिससे कि आप अपने ट्रेड को इम्प्रूव कर सके। इनकेस अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो टेक्निकल एनालिसिस का नया बैच फ्राइडे से स्टार्ट हो रहा है। वीकेंड पे ये क्लास होगा सैटरडे और संडे, जिससे कि आपका रेगुलर कोई भी वर्क डिस्टर्ब नहीं होगा। 2 आवर्स का क्लास होगा, फ्रॉम कैश टू FNO, कमोडिटी टू करेंसी, एवरीथिंग आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा, डिटेल में कवर किया जाएगा, फंडामेंटली भी आपके साथ कवर किया जाएगा, जिससे कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे एक अच्छे ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, एक अच्छे स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसमें टेक्निकली एक अच्छे लेवल पे एंट्री लेने के लिए। इसके साथ ही अगर यहाँ पे जुड़ते हैं तो आपको डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी लेवल्स अपडेटेड मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आपके पास समय नहीं है, आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, मार्केट को समय नहीं दे सकते हैं क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से लेवल पे बाय करना है, क्या स्टॉप लॉस और टारगेट होने वाला है, आपका पोजीशन साइजिंग क्या होने वाला है, साथ ही साथ ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका पार्शियल प्रॉफिट कहाँ पे आप बुक करेंगे, आप फुल्ली कहाँ पे एग्जिट करेंगे, एवरीथिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको डिटेल में मेंशन किया जाएगा, जिससे कि आप इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए बात करते हैं आज के इस न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पे न्यूज़ आया है, इस ईयर के स्टार्टिंग में 65,000 करोड़ का एक टेंडर पब्लिश किया गया था भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के द्वारा। BBNL का आपको ऑलरेडी 2 फेज का टेंडर हो चुका है, ये 3rd फेज का टेंडर है। 65,000 करोड़ का यह टेंडर था, यहाँ पे कि आपको HFCL, तेजस नेटवर्क, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, बिड़ला केबल इन सभी कंपनीज के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। साथ ही साथ RVNL, मेगा इंजीनियरिंग और भी काफ़ी सारे कंपनीज ने आपको पार्टिसिपेट किया था। ये बेसिकली जो टेंडर है, ये टेंडर कल ओपन होने वाला है, 8th of August को ओपन होने वाला है। और यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क जो है विलेजेस में डाला जाएगा, जिसके थ्रू जो विलेज को कनेक्ट किया जाएगा, सभी विलेज को जो है आपको नेट प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी वजह से इन सभी स्टॉक्स में एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो कल का डे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कल क्योंकि कल यहाँ पे टेंडर आपको ओपन होने वाला है। ऑलरेडी Phase 1, Phase 2 का हो चुका है, ये Phase 3 का आपको होने वाला है, जहाँ पे कि आपको कई सारे ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा। तो इसी वजह से इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। अगर हम लोग यहाँ पे वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छा कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक जो है काफी टाइम इस लेवल को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद वंस अगेन इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी दिख रहा है। ऊपर की साइड में जो है
स्टॉक लगातार अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। अभी अगर देखेंगे तो एक इमीडिएट रेसिस्टेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी देखेंगे तो स्टॉक जो है इस ट्रेंड लाइन को जब हिट किया था तो यहाँ से गिरावट हुआ, वापस से यहाँ पे भी एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला। ऑलरेडी 3 वीक से मोमेंटम हो रहा है तो एक स्लाइट रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है तो फिर स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में 150-160 की तरफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है तेजस नेटवर्क। यहाँ पे भी 12% का एक शानदार उछाल देखने को मिला, स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा था, स्टॉक लगातार मोमेंटम कर रहा था। आपको 25th ऑफ मार्च से यहाँ पे एक कंटिन्यूस मोमेंटम हो रहा था, 650 के लेवल से स्टॉक जो है 1500 के लेवल को टच किया, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट हुआ, अब स्टॉक जो है यहाँ पे बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है। तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी कोई अगर एक पॉजिटिव न्यूज आता है तो डेफिनेटली जो है इस स्टॉक में एक शानदार तेजी ऊपर की साइड में 1500 की तरफ इस स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है एक बड़ा रैली। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो यहाँ पे अभी एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। स्टॉक जो है जरूर आपको एक सपोर्ट रेंज से बाउंस बैक कर रहा है यहाँ पे, लेकिन आपको एंट्री के लिए स्लो एंड स्टडी एंट्री करना होगा। इस स्टॉक में अभी एग्रेसिवली एंट्री नहीं करना चाहिए, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की साइड मूव करेगा धीरे धीरे आप पैरामेडिंग के थ्रू जो है इस स्टॉक में पोजिशन ले सकते हैं, और मेजर तेजी जो है यहाँ पे आपको 1500 के लेवल के ऊपर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है स्टरलाइट टेक्नोलॉजी। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी के अगर वीकली बेसिस पे बात करेंगे, इससे पहले भी इस स्टॉक के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, स्टॉक में लगातार हम लोगों को गिरावट देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे स्टॉक ने एक लो लगाया 2018 से। यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्टॉक में एक अच्छा गिरावट हो रहा था, बाउंस बैक किया, वापस से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आया, बट यहाँ पे जो है स्टॉक ने इस लो को डिफेंड किया है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन का हम लोगों को फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, स्टॉक ने अभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया नहीं है, तो बस हम लोगों को यहाँ पे वेट करना है ब्रेकआउट का। एक बार स्टॉक इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है, यहाँ पे अगर स्टॉक ऊपर की साइड में 158-159 की तरफ ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। स्टॉक ऊपर की साइड में 250 के ऊपर अगर स्टॉक निकलता है तो फिर स्टॉक जो है 300 और वापस से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। तो इस स्टॉक में भी एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट होगा यहाँ पे आपको एक अच्छा एंट्री मिल सकता है। नीचे की साइड में आपका स्टॉप लॉस प्लेस होना चाहिए 108 के नीचे, और ऊपर की साइड में एक बड़े मोमेंटम के लिए जो है आप इस स्टॉक को प्ले कर सकते हैं 250 के ऊपर 300 और 300 के ऊपर वापस से स्टॉक 400 के लेवल को भी टच कर सकता है। लास्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है बिड़ला केबल। बिड़ला केबल के शेयर में नीचे के लेवल से एक अच्छा तेजी देखने को मिला, यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट जो है हम लोगों को इस स्टॉक में देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक ने एक अच्छा रैली दिया, ऊपर की साइड में स्टॉक ने हाई लगाया 429.7 का, उसके बाद से लगातार जो है स्टॉक में रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा था, और अभी अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है रिसेंट टाइम्स में 300 के लेवल पे एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, वापस से रिट्रेसमेंट हुआ और रिट्रेसमेंट में स्टॉक नीचे के लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। एक बार स्टॉक ऊपर की साइड में 300 के लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर इस स्टॉक में भी एक अच्छा तेजी 400-450 ये सभी लेवल्स जो है देखने को मिल सकता है। अगर हम लोग मंथली चार्ट पे बात करेंगे तो क्लियरली जो है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है, एक अच्छे तेजी के बाद रिट्रेसमेंट हो चुका है 300 के क्लोज लेवल के ऊपर, एक बार क्लोजिंग हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में वापस से फ्रेश तेजी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे प्रीवियस पैटर्न को देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ 220 के लेवल पे, उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के साथ ही स्टॉक ने यहाँ पे बनाया है एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन। स्टॉक जो है यहाँ पे आपको एक डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, 300 के लेवल के ऊपर निकलते ही स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो
एनालिसिस अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।